देश में नए नए टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन को हर तरीके से बदल कर रख दिया है। इन टेक्नोलॉजी की मदद से हमारे कई काम बहुत आसान हो गए हैं, साथ ही इसके वजह से हमारे जीवन में कई तरह के बदलाव भी हुए हैं। लेकिन यह टेक्नोलॉजी सुविधाओं के साथ साथ अपने साथ कई खतरे भी लेकर आई है, जिसमें साइबर क्राइम सबसे चरम पर है। आजकल ज्यादातर इस टेक्नोलॉजी के दम पर ही साइबर क्राइम को अंजाम दिया जाता है। भारत में साइबर क्राइम एक गंभीर मुद्दा बन गया है। दरअसल हर रोज यहाँ कई लोग साइबर क्राइम के शिकार होते हैं। साइबर क्राइम करने वाले अपराधी आए दिन ठगी के नए नए तरीके खोजते रहते हैं। बता दें कि साइबर क्राइम करने वाले अपराधियों ने अब ऐसा साइबर फ्रॉड का तरीका खोजा है जिसे देखकर पुलिस भी हैरान रह गई है। दरअसल अपराधियों द्वारा अब महिलाओं को प्रेग्नेंट करने के नाम पर रुपए की ठगी होने लगी है। ऐसे ही साइबर क्राइम करने वाले 8 अपराधियों को पकड़ने में नवादा पुलिस को सफलता मिली है। इन अपराधियों ने ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब यानी कि बेबी बर्थ सर्विस के नाम पर भोले भाले लोगों से मोबाइल पर संपर्क कर ठगी करते थे। बता दें कि पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 8 साइबर ठगों को गिरफ्तार कर लिया है। सभी गिरफ्तार अपराधी एक ही गाँव के रहने वाले है। बता दें कि साइबर सेल DSP आनंद कल्याण ने इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि धोखाधड़ी करने वाले ठगों ने ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब यानी कि बेबी बर्थ सर्विस के नाम पर लोगों को ठगने का नया तरीका खोजकर उनको ठगने का काम करते थे। इस ठगी में अपराधी मोबाइल पर वैसी महिलाओं से संपर्क बनाने थे जिसे बच्चा नहीं होता था। बता दें कि अपराधियों द्वारा महिला को प्रेग्नेंट करने के लिए अच्छी से अच्छी नई तकनीक से इलाज की व्यवस्था करने और प्रेग्नेंट हो जाने पर 13 लाख रुपए देने का झांसा दिया जाता था। वहीं अगर बच्चा नहीं होता है तो भी 5 लाख रुपए देने की पेशकश की जाती थी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि धोखाधड़ी करने वाले अपराधी महिलाओं को अपने जाल में फंसा कर रजिस्ट्रेशन के नाम पर 799 रुपए लेते थे। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद सिक्योरिटी चार्ज के नाम पर 5,000 से लेकर 20,000 रुपए तक की वसूली होती थी। इतना ही नहीं, इसके बाद भी जब तक इस नाम पर वसूली होती थी अपराधी वसूली करते रहते थे। जब पुलिस को इस साइबर क्राइम के बारे में पता चला तो पुलिस ने साइबर पुलिस टीम का गठन करके छापेमारी कर 8 साइबर अपराधियों को थर दबोचा। पकड़े गए ठगों में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गुरमा ग्राम निवासी राजेश कुमार, सत्यधन कुमार, प्रभात कुमार, गोपाल दास, कविंद्र कुमार, अनिल कुमार, अजय कुमार व अकबरपुर थाना क्षेत्र के फरवा गांव निवासी लक्ष्मण कुमार शामिल हैं। पुलिस ने इन अपराधियों के पास से एक प्रिंटर और 9 एंड्रॉइड फोन भी बरामद किए हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। ऐसी ही और खबरों के लिए आप देखते रहिए जनभावना टाइम्स।